हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरु जी अगेन आप सबका हमारी ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस का दादा सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस का दादा सीरीज बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगी फॉर बोर्ड एग्जाम। और इसमें क्या है कि बच्चों को जो ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस करने मुश्किल लगते हैं, कोशिश की गई है कि आसान किस तरह से किए जाए। तो अभी तक हम लोग स्टेप अप करना सीख चुके हैं, बेंजीन से रिलेटेड बहुत से कन्वर्जन हम लोगों ने देख लिया, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए। और बेटे जी, आप सभी के लिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाए हैं, चीट नोट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वो नोट्स आप लोग एक बार देखिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। 10 पेजेस हैं, 10 पेजेस हैं, और वो 10 पेजेस ही आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे, बहुत अच्छे मार्क्स ऑर्गेनिक में स्कोर करवा देंगे। एंड अगर आप उसे डाउनलोड करते हो, अच्छे लगते हो, देन आप मुझे इंस्टा पर टैग कर सकते हो भारत पंचाल 92। और जिन बच्चों को नोट्स वीडियोज के लिंक प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं, भारत पंचाल सर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, वो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। चलिए आज के हमारे लेक्चर पे चलते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट कि आपको डबल बॉन्ड दिया होगा, लाइक आपको कहीं पे दिया है प्रोपीन, प्रोपीन से आपको बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन, या फिर आपको बनाना है 1 ब्रोमो प्रोपेन, या फिर आपको कुछ दिया हुआ है 1 ब्रोमो प्रोपेन से आपको बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन। मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल, यहां पे इसको जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि आपको किसी ग्रुप की पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है, मतलब एक जगह पे लगाओ उसको दूसरी जगह पर लगाना है, दूसरी जगह पर लगा हुआ तो उसको पहली जगह पे लगाना है, तो आप किस तरह से कन्वर्जेंस को करने वाले हो, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं, प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। प्रोपीन किसे कहते हैं, जैसे CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या है, ये प्रोपीन है। इसमें भी हम क्या कर देंगे, इसमें हम लोग HBr जोड़ देंगे, ठीक है। और हमेशा कौन सा रूल लगता है भाई, जब भी हम नॉर्मल किसी अल्किन को देखते हैं तो वहां पे मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो किया जाता है। जिन बच्चों को नहीं पता है मार्कोनिकोव्स रूल के बारे में, मैं आपको बता दूं, मार्कोनिकोव्स रूल का शॉर्टकट होता है नत्थू लाल हलवाई, नत्थू लाल हलवाई। क्या मतलब हुआ नत्थू लाल हलवाई का, नेगेटिव विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन, कि जो नेगेटिव पोर्शन है वो कहां जाएगा, लोअर हाइड्रोजन के पास जाएगा, जैसे कि CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। देखिए बेटा ये एडिशन रिएक्शन है, ये डबल बॉन्ड तो किसमें ब्रेक हो जाएगा, आपका सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो जाने वाला है। आपने ब्रेक कर दिया, डबल बॉन्ड को किसमें ब्रेक कर दोगे, सिंगल में, ठीक है। जब डबल बॉन्ड सिंगल में ब्रेक होता है तो उस कार्बन के बॉन्ड कम हो जाते हैं जिनके बीच में वो डबल बॉन्ड था। आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो, देखिए इस कार्बन की गेड़िया मारो कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 1 2, और एक इस पे हाइड्रोजन लगा हो तो कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 3 बॉन्ड हो रहे हैं। सिमिलरली इस कार्बन को चेक करो तो इसकी गेड़िया मारो तो आपको एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 हाइड्रोजन है, यानी इसके भी कितने बॉन्ड है, 3, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए थे, 4। अब किस जगह पे क्या लगेगा, अब देखिए ये जो HBr है, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, इसमें क्या होगा, ये मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करेगा। मार्कोनिकोफ रूल का मतलब है नेगेटिव विल गोज टुवर्ड्स लोअर हाइड्रोजन, कि जो नेगेटिव पोर्शन है वो कहाँ जाएगा, लोअर के पास, ये है लोअर, इसके पास है 1 हाइड्रोजन, इसके पास है और यहां पे जाएगा हाइड्रोजन। आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH Br CH3, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्लियर है। ये हमारे पास क्या था, प्रोपीन था, और प्रोपीन से हम लोगों ने क्या बना दिया, 2 ब्रोमो प्रोपेन बना दिया। सिमिलरली अगर आप इसको करना चाहो बेटा जी, अगर आपको दिया हुआ है कि कन्वर्ट कीजिए किसको, प्रोपीन को 1 ब्रोमो प्रोपेन में, 1 पे लगा हुआ है ना, इट मींस ये टर्मिनल पोजीशन है, टर्मिनल मींस किनारे वाली पोजीशन है, और टर्मिनल पोजीशन पे अगर कभी भी आपको ग्रुप लगाना है तो वहां पे हमेशा हम लोग एंटी मार्कोनिकोफ रूल का यूज करते हैं। याद रखिए टर्मिनल पोजीशन पे कभी भी लगाना है तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल फॉलो किया जाएगा। देखिए क्या होगा, यहां पर हमारे पास प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा आज की क्लास से ना आप 2-3 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी समझ जाओगे, ये पेपर में डायरेक्ट आ जाएंगी और तुम लोग सच में याद करने वाले हो कि हाँ यार सर ने बोला था ये आता है और ये आया हुआ है। मार्कोनिकोफ रूल तो मतलब हद इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये हमारे पास प्रोपीन है, इसमें हम लोग डाल देंगे HBr और यहां पे रूल लगाएंगे एंटी मार्कोनिकोफ रूल। सर हमें कैसे पता लगेगा एंटी मार्कोनिकोफ रूल, बेटा बताया ना अगर आपको 1 पे लगाने को कोई बोलता है ग्रुप को, अगर फर्स्ट पोजीशन पे लगाने में, इसको टर्मिनल पोजीशन है,
और टर्मिनल पोजीशन पे अगर कभी भी लगाना है तो मार्कोनिकोफ रूल ही फॉलो किया जाता है, मार्कोनिकोफ रूल ही फॉलो किया जाता है, याद रहेगा। चलिए तो टॉपिक पे आते हैं, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। अच्छा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल की एक खास बात होती है कि ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, इसी वजह से इसका नाम परोक्साइड इफेक्ट भी रख दिया जाता है। अच्छा, होता क्या है इसमें, इसमें होता है नत्थू हरा हलवाई। नत्थू पहले लाल था ना, अभी क्या हो चुका है, वो हरा हो चुका है। निंजा टेक्निक है याद करने की, भैया अपने भारत सर की क्लास और ट्रिक्स ना हो तो मजा नहीं आएगा। तो ये ट्रिक याद रखिए, एंटी मार्कोनिकोफ रूल की, नत्थू हरा हलवाई। नत्थू बोले तो एन नेगेटिव विल गोज टू हरा, हरा यानी हायर, हलवाई यानी हाइड्रोजन, नेगेटिव विल गोज टुवार्ड्स हायर हाइड्रोजन। कर दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। CH3 CH CH2। अब देखो, एक होते हैं नॉर्मल स्टूडेंट, एक होते हैं प्रो लेवल के होशियार। नत्थू हरा हलवाई एन नेगेटिव विल गोज टू हायर हाइड्रोजन, हायर हाइड्रोजन तो भैया यहां है, इसके पास है भाई, इसके बॉन्ड पूरे हैं, बॉन्ड किन के कम है, इन दोनों के कम है, ठीक है। तो इनके पास आपको भेजना है, क्या करोगे अभी आप, नेगेटिव विल गोज टुवर्ड्स हायर हाइड्रोजन। तो देखिए, जो आपका एडिटम है, जो आपका एडिडम है, एच पॉजिटिव बी आर नेगेटिव, इसका जो नेगेटिव है वो जाएगा हायर हाइड्रोजन के पास, यानी कि यहाँ पे आप बी आर भेजने वाले हो और यहाँ पे आप क्या भेजने वाले हो, एच भेजने वाले हो। इस तरह से ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहो बेटा जी, तो कुछ ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 BR, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, टू ब्रोमो प्रोपेन, क्या बोलने वाले इसको, टू ब्रोमो प्रोपेन, टू नहीं, सो सॉरी, इंसान गलतियों का पुतला है और ये गलतियां तुमने नहीं करनी है, ठीक है, नंबर कट जाएंगे। ये वन ब्रोमो प्रोपेन, कोज बी आर जो है वो वन पे लगा हुआ है, क्लियर है बेटा। अब लास्ट पे चलते हैं, ये थोड़ा अच्छा कन्वर्जन है, ठीक है, ये वाला ज्यादा अच्छा कन्वर्जन है, इसको ध्यान दीजिए। वन ब्रोमो प्रोपेन से टू ब्रोमो प्रोपेन, यहाँ पे दो काम होंगे, चेक कीजिए। वन ब्रोमो प्रोपेन क्या है हमारे पास, वन ब्रोमो प्रोपेन से क्या बनाना है, टू ब्रोमो प्रोपेन हम लोगों ने बनाना है, तो बना दीजिए ना, किसने रोका है। वन ब्रोमो प्रोपेन किसे कहेंगे, CH3 CH2 CH2 Br, है ना। अभी अगली बार मैं टू पे लगा दो, ऐसे नहीं होता, एकदम से आप टू पे नहीं लगा सकते। तो यहां पे आपकी एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, क्या बोलते हैं इसको, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन बोलते हैं। और बुक्स में आपको जनरली मिलेगा ये बाय द नेम बीटा एलिमिनेशन, किस नाम से, बीटा एलिमिनेशन। आई होप मेरी राइटिंग सही हो, राइटिंग नहीं स्पेलिंग सही हो, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो बेटा बीटा एलिमिनेशन करनी पड़ेगी पहले आपको, और बीटा एलिमिनेशन के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा एल्कोहलिक KOH या NaOH, एल्कोहलिक समझते हो ना, शराबी, शराबी घर के बर्तन तक बिकवा देता है, निकाल देता है, तो सेम फंडा यहाँ पे है, एल्कोहलिक लेना है आपको। तो बेटा क्या होगा, इस टॉपिक को बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस पोजीशन पे कोई ग्रुप लगता है उसको बोलते हैं अल्फा, उससे नेक्स्ट को बोलते हैं बीटा। बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस अल्फा ने जाना है, अल्फा वाले ग्रुप ने जाना है, ये बीटा से हाइड्रोजन लेके निकलेगा कुछ इस तरह से, ये सारा पोर्शन बाहर निकल जाता है, ठीक है। वैसे आज वन शॉट भी आएगा इसका, आई होप आप सभी रेडी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना सर रेडी है कि नहीं, ठीक है। तो बेटा ये KOH एंड ये Br और इसका H बाहर निकल जाएंगे, और ये क्या बनेगा, ये HBr KOH बाहर निकल के बन जाएगा KBr एंड H2। यहाँ पे क्या बचा, CH3, यहाँ पे CH2 थे, एक H उस Br के साथ चला गया ना, तो ये CH और ये CH2, बीच में कौन सा आ जाएगा, डबल बॉन्ड। मतलब अगर आपको एक सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड से सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बनाना है, उसको ग्रुप चेंज करना है ना, तो पहले आपको उसको अल्कीन में बनाना पड़ेगा, और अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए आप प्रोसेस करोगे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन या कह लीजिए बीटा एलिमिनेशन, और बीटा एलिमिनेशन करने के लिए हमेशा आपको क्या डालना पड़ेगा, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH। इसके बाद क्या होगा बेटा जी, टू ब्रोमो बनाना ना, सेकंड पे लगाना है, तो आप इसमें ब्रोमो बनाना चाह रहे हो तो क्या कर दो, इसमें जोड़ दीजिए आप लोग HBr। अब टू है, टू कोई टर्मिनल पोजीशन नहीं है, जब टर्मिनल पोजीशन नहीं है तो कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोफ रूल। और मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है, नत्थू लाल हलवाई, क्या मतलब हुआ नत्थू लाल हलवाई का, नत्थू लाल हलवाई मीन्स नेगेटिव विल गोज टुवार्ड्स लोअर
हाइड्रोजन, नेगेटिव कहां जाएगा भैया, लोअर हाइड्रोजन के पास। देखिए प्लस का साइन है, ये ब्रेक होगा सी एच थ्री सी एच सी एच टू, ठीक है। अब देखिए जो एच बी आर है उसमें एच पॉजिटिव है, बी आर नेगेटिव है, कौन कहां जाएगा, नेगेटिव विल गो टूवर्ड्स लोअर, तो जो नेगेटिव है वो लोअर के पास जाएगा, यानी बी आर आएगा यहां पे और एच आएगा यहां पे। ये क्या बन चुका है, अगर आप इसको देखो तो ये बन चुका है सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच थ्री, ठीक है। अगर आप देखो तो ये क्या बन चुका है हमारे पास, टू ब्रोमो प्रोपेन, दैट्स ऑल। तो बेटा जी एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप सभी से कि प्लीज इनकी प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका ये होता जाएगा, कन्वर्जन हो सकते हैं इनसे, कन्वर्जन तो आप बहुत आसानी से कर ही सकते हो, आप इससे कंप्लीट द रिएक्शन भी कर सकते हो। और यहाँ पे हमने तीन रिएक्शन को, तीन नेम रिएक्शन को कवर किया है, या कह लीजिए तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक टॉपिक को कवर किया है, मार्कोनिको फ्रूल को, एंटी मार्कोनिको फ्रूल को एंड बीटा एलिमिनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बने हुए हैं कई बार क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस कीजिए। और इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि है भारत पंचाल सर के नाम से, ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी आपको आज वाली पीडीएफ मिल जाएगी। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच, जय हिंद।